हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन सेकंड सेशन ऑफ़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एक्टिविटी विच शो अनदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ़ मैटर लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी का डे टू तो डे लाइफ में बहुत यूज़ भी होता है अच्छा अब हम इस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी हम कर क्यों रहे हैं ये एक्टिविटी हम ये समझने के लिए कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं या वो स्टेशनरी होते हैं तो स्टूडेंट्स ये ही हम इस एक्टिविटी में समझेंगे तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं हमारी स्टैंड अगरबत्ती एंड मैच बॉक्स ठीक है अगरबत्ती तो आपको पता ही होगा घर में जब हम पूजा करते हैं तो हमें अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ती है स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है मैच बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ती है ओके okay, तो इस एक्टिविटी में हमें सिर्फ ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है अब ये एक्टिविटी का क्या स्टेप होगा सिंपल सबसे पहले हमारी जो अगरबत्ती हमने ली है उसको हम क्या करेंगे स्टैंड पर रखेंगे यहाँ देखिए आप यहाँ पे हमने स्टैंड पर अगरबत्ती को रखा और फिर इसको लाइटन कर दिया उसको जला दिया और हमने एक कॉर्नर पर रूम के कॉर्नर पर उसको रख दिया जलाकर, ओके okay. अब जलाकर रख दिया तो जैसे वो लाइटन होती हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं हम अगर दूसरे कॉर्नर पर भी खड़े हैं तो हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं जो अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है जो स्मेल है उसकी पूरे रूम में क्या हो गई है पूरे रूम में आने लग गई अगर आप कॉर्नर पर खड़े हो दूसरे कॉर्नर पर भी तब भी आपको उसकी फ्रेग्रेंस Uh, मतलब उसका जो स्मेल है उसकी आपको आ जाती है ओके okay. जैसे आपकी मदर कुछ भी कुक करती है आपके लिए तो आप जैसे स्कूल से घर में आते हो आप बता देते हो मम्मा आज आपने राजमा बनाया है या कुछ भी जो, जो भी आपको पसंद है आपकी मदर ने आपके लिए कुक किया है तो आपको एकदम से उसकी फ्रेगरेंस से पता चल जाता है कि आज घर में क्या बना है इसी तरह से जैसे ही अगरबत्ती जलती है जैसे हम उसको लाइटन करते हैं तो उसकी जो फ्रेगरेंस है पूरे रूम में फैल जाती है तो ये हमने स्टेप्स में सिंपल यही किया कि हमने अगरबत्ती को लाइटन कर दिया फिर हमने ये देखा कि उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैलने लगी है मतलब उसकी गुड एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लग गई है नाउ अब इससे क्या कंक्लूजन निकला इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो स्टेशनरी नहीं होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं Particle of matter are not stationary. They are moving continuously. And when they drift through air, we can smell the pleasant fragrance. जैसे ही वो air में मिलती है वैसे ही हमें एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आने लगती है अब इसके पीछे रीज़न क्या है रीज़न it इट इज दैट we वी लाइट द स्टिक द हीट एनर्जी सप्लाइड taken बाय द पार्टिकल्स अब जैसे ही हमने अगरबत्ती को जलाया लाइटन किया तो अगरबत्ती को एनर, एनर्जी मिली उस लाइट से और वो जो एनर्जी है वो उसके पार्टिकल्स ने ले ली और जैसे ही उनके पार्टिकल्स ने वो हीट एनर्जी ली वैसे ही इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी अब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी मीन्स की पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिलती है उसकी वजह से उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है तेज़ हो जाती है वैसे ही जैसे हीट एनर्जी मिली पार्टिकल्स को तो आ, उसने काइनेटिक एनर्जी को मोशन को पार्टिकल्स के मोशंस को क्या कर दिया बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया एंड दिस मेक्स द फ्रेग्रेंट पार्टिकल टू मूव रैपिडली और इसी तरह से जो फ्रेग्रेंस है वो चारों तरफ धीरे धीरे फैलती गई एंड दे इजिली ड्रिफ्ट थ्रू द एयर और वो एयर में क्या हो गई मिक्स हो गई और स्प्रेड फ्रेगरेंस और हमें उसकी क्या एक फ्रेगरेंस आने लग गई एंड स्टूडेंट्स ये जो हमने देखा कि फ्रेगरेंस मिल गई हवा में उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और वो मिक्स हो गए हैं राइट right. तो इस पूरे फिनमिना को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं यानी कि इस पूरी एक्टिविटी का जो कंक्लूजन लिख रहा और जो फिनोमिना आया इसके बिहड उस फिनिना को हम कहते हैं डिफ्यूजन क्या कहते हैं हम इस फिनोमिना को डिफ्यूजन अब डिफ्यूजन होता क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये कंसेप्ट डिफ्यूजन अब स्टूडेंट डिफ्यूजन क्या होता है इट इज़ द मूमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू प्लेस ऑफ लोअर कंसनट्रेशन और इट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटैसेज अब ये बोल रहा है कि डिफ्यूजन वो कंसेप्ट है जो किसी एक सब्सटेंस का मूवमेंट अगर हायर कंसंट्रेशन से यानी कि जहाँ पर फ्रेग्रेंस ज़्यादा थी वहाँ से सपोज एक रूम है ये हमारा यहाँ पर हमारी अगरबत्ती क्या हो रही थी जल रही थी यहाँ पे फ्रेग्रेंस ज़्यादा थे, यहाँ पार्टिकल्स के और उसके बाद ये पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे जहाँ कम है फ्रेग्रेंस राइट तो यानी हायर कंसनट्रेशन से मूव करते हैं पार्टिकल्स किन की तरफ लोअर कंसनट्रेशन की तरफ तो इसको हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन और हम ऐसे भी कह सकते हैं डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंटरमिक्सिंग है अलग अलग सब्सटेंसेस का जैसे हम इसकी एक्टिविटी से समझेंगे कैसे इंटरमिक्सिंग है एक्टिविटी है डिफ्यूजन की कि सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया ओके okay? दो कंटेनर ले लिया और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है मान लो ये कंटेनर ए है ये कंटेनर क्या है बी है ओके okay? अब यहाँ पर नोब लगी हुई है यानी कि अभी ये कंटेनर के बीच में जो ये रास्ता है ये बंद है यहाँ पर भी कुछ गैस है ए कंटेनर में यहाँ पर भी कोई अलग गैस है बी कंटेनर में अभी तो नोब है ठीक है अभी बंद है ये जैसे ही मैं स्नोब को ओपन करती हूँ जब मैं स्नोब को क्या करती हूँ ओपन करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जो ए गैस जो ए के अंदर गैस थी और जो बी के अंदर कंटेनर के अंदर गैस थी वो एक दूसरे के साथ क्या हो गई हैं मिक्स हो गई हैं ए और बी ने आपस में क्या कर ली इंटरमिक्सिंग कर ली तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेज इज कॉल्ड द डिफ्यूजन तो यही हमारा कंसेप्ट है डिफ्यूजन का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे ये लिखा है कि वेन नोब इज क्लोज बोथ द गैसेज आर इन देयर ऑन फ्लास्क जब नोब uh, क्लोज थी दोनों अपने अपने ही फ्लास्क के अंदर गैसेस थी बट वेन द नोब इज ओपन द टू गैसेज इंटरमिक्स रैपिडली जैसे ही नोब को ओपन कर दिया तो ये दोनों गैसेज ने क्या कर लिया इंटरमिक्स कर लिया आपस में क्या हो गई इंटरमिक्स हो गई एंड द इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड द डिफ्यूजन और इंटरमिकसिंग को ही हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं एंड स्टूडेंट्स जो डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट है ये मोस्टली ये मैक्सिमम जो होता है वो गैसेस में ज़्यादा मिलता है इट इज़ बेस्ट शोन बाय गैसेस एज अ गैस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है यानी कि जिनकी इन पार्टिकल मूव करते हैं बहुत तेज़ी से करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जो डिफ्यूजन वाला कन्सेप्ट है वो गैसेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है राइट तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिफ्यूजन का कंसेप्ट और एक्टिविटी थी हमारी जिससे हमने देखा कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्या करते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो ये हमने करेक्टरिस्टिक जो हमारी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो समझी और हमने समझा डिफ्यूजन का कंसेप्ट